शनिदेव के आगमन के लक्षण। यदि आपकी स्त्री अच्छी भली स्वभाव की है, वे आपको प्यार, बच्चों की सेवा, सब कुछ बिना किसी शिकायत के करती रहती है, और अचानक कुछ दिनों से छलनाने लगती है बच्चों के खातिर, अपने खातिर, घर में आए दिन यदि कलह होना शुरू हो जाए तो याद रहे, इसमें आपकी पत्नी का कोई दोष नहीं है, बल्कि यह है शनिदेव की प्रतिकूल दशा आने के पूर्व सूचना है। शनिदेव आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, अथवा अपने दल बल के साथ पहुंच चुके हैं। और यदि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसकी बुद्धि असंतुलित हो जाती है और उसमें क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। शनि का प्रभाव उसके सिर पर जकड़ लेता है। शनि अनेक लोगों से मन मुटाव हो जाता है और झगड़े की नौबत भी आ जाती है। बिना किसी कारण से उसका मन विवाद में चला जाता है। जातक का उत्साह बहुत ही कम हो जाता है और उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता। अनेक बार शनि के जातक को बीमारियां घेर लेती है। वह किसी लंबी और असाध्य बीमारी से पीड़ित हो जाता है। ऐसे समय में पति पत्नी में अकारण ही लड़ाई शुरू हो जाती है और तलाक लेने की नौबत आ जाती है। अतः ऐसे में शनि शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। शनि के प्रकोप के कारण अनेक बार ऐसा भी देखने को आता है कि किसी व्यक्ति का व्यापार पहले चल रहा था, मगर अचानक हानि होने लगती है, नुकसान पर नुकसान होता चला जाता है। राशि पर शनि के प्रभाव के कारण कई बार हाथ की रेखाओं में कालिका सी छाने लगती है। अतः यह इस बात का स्पष्ट संकेत है शनि जातक की राशि में प्रवेश कर चुका है। अनेक बार शनि के प्रभाव स्वरूप पूरा हाथ ही काला सा नजर आने लगता है। उंगलियां और नाखूनों में विशेष तौर से काली छाया सी दृष्टिगोचर होने लगती है। विशेष तौर से शनि का पर्वत व शनि की मध्यता उंगली व भाग्य रेखा ऐसी दिखाई देने लगती है। अतः इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस समय में हमारे कार्य बनते बनते भी बिगड़ जाएंगे। जातक के मन में घोर अशांति की अनुभूति हो सकती है और कभी कभी शांति का प्रभाव पूरे चेहरे, मस्तक पर छा जाता है। आंखों के नीचे घना कालापन नजर आने लगता है। जातक को भूख कम लगती है। सिर सदा तनावग्रस्त होकर भारी सा रहता है और कई बार जातक के परिवार में किसी की लंबी बीमारी या किसी की मृत्यु भी हो सकती है। यह सब शनिदेव के आगमन के लक्षण हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।